बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक हैं। तो गाइज, आज है रक्षाबंधन और बस मैं रेडी हो चुकी हूँ, सारा काम कर चुकी हूँ। तो मैं जाती हूँ मम्मी घर में, कंचन आई थी थोड़ा सा लेट, तो मैंने कहा प्लीज मैं तो पहुंच जाऊँ। दीदी पहुंच गई थी, सीमा आएगी शाम को जब उसकी लड़की आएगी, तो मैंने कहा मैं ही चली जाती हूँ। तो सबसे पहले मैं रेडी हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ मम्मी के घर में। बाकी जब तक पूजा आएगी, पूजा अपने घर से निकलेगी मुझे कॉल कर देगी, तो मैं भी साथ साथ मेट्रो में जल्दी से अपने घर पहुंच जाऊंगी। तो गाइज, हमने राखी का भी राखी बांधी है दीपू को, तो सबसे पहले बांधी है दीदी की राखी। दीदी की बांधी है? हाँ, दीदी ने फोन पे बोल दिया था कि मेरी राखी सबसे पहले बांधना क्योंकि वो सबसे बड़ी है, तो ने सबसे पहले उसकी बांधी है। और सीमा आएगी शाम को, क्योंकि राधिका जब आएगी सीमा तभी आएगी, क्योंकि देखो शादी का क्या होता है, लड़की का आने का टाइम होता है, तो वो अपने घर भी बनाते हैं। और इस बार हुआ क्या है, 2 बजे का टाइम रखा है, तो 2 बजे के करीब जब सब अपने घर की दिक्कत आई, हाँ तो अपने घर में सब बनाएंगे उसके बाद ही निकलेंगे। हर बार सब टाइम से आ जाते थे, इसी बार थोड़ा सा हुआ है कि टाइम बे टाइम थोड़ा सा काम हुआ है, तो पर कोई बात नहीं। मैं भी अभी बैठी हूँ, मैं भी देख रही हूँ पूजा का फोन आएगा तभी निकल जाऊंगी। मैंने कहा मम्मी को बोल रखा है जैसे पूजा कॉल करेगी वो वहां से पहुंचेगी, मैं यहाँ से निकल जाऊंगी, तो वही 5-10 मिनट का अंतर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंचन भी बांध दी है, मैं कंचन की वेट कर रही थी, मैं कंचन आएगी इकट्ठे बांध देंगे दोनों, तो कंचन और मैंने इकट्ठे बांध दिए। दीदी की भी बंध गई, अब रह गई सीमा की। दीदी नहीं आई आज, अजीब आज अजीब लग रहा है गाइस। दीदी होती है ना, हम सारी बहनें होती है, बातें करती है, मजा आता है। आज सीमा ना भी नहीं आई। हाँ, आज बिल्कुल ऐसा लगा हम दो ही बैठे हैं। हाँ। तो वो दो नहीं है, आगे सीमा भी पिछली बार आ गई थी, सब इकट्ठे होते हैं। दीदी नहीं आई, नहीं आई नहीं आई, अभी 2-3 दिन और लगेंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है, हॉस्पिटल जाने में। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कहा ठीक है, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि दीदी नहीं आई। वैसे हर बार राखी बांधती है, तो इस बार नहीं आई। तो ये बांधी है दीपू की राखी, ये बांधी है दीदी की मैंने, दीदी की, ये मेरी है, ये है वीर जी की, कंचन ने बांधी है। कंचन, ये कंचन ने बांधी है वीर जी की। हैं दीपू, कैसे लग रहा है बता? बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है ना, सबकी राखी अच्छी है ना, और राखी तो हर अच्छी है, जो भी बहने लाती है सबकी अच्छी होती है। हाँ, अपनी तरफ से तो देखो बहने अच्छी लेकर आती है, नहीं नहीं सबकी अच्छी, सबकी बेटर है। अभी बस सीमा आने वाली है, सीमा को सीमा ही बांधेगी है ना। देखते है आज दीपू थोड़ा उदास लग रहा है, दीपू का दिल नहीं लगा उतना। ये है कि दीदी नहीं आई तो थोड़ा अजीब सा लगा। हाँ चल कोई नहीं, आ जाएगी वो। कह रही मैंने कल दीदी को फोन भी किया था। अब वो पता क्या कह रही थी, मुझे बोल रही थी दीदी, कह रही 2-3 दिन और लगेंगे। हाँ वो कह रही है मैं आऊंगी फिर चलेंगे, मैं घर आ जाऊंगी ना फिर इकट्ठे चलेंगे, कंचन फिर इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ फिर हम इकट्ठे हो जाएंगे सारी, ठीक है। जब जैसे दीदी छुट्टी होके आएगी, 3-4 दिनों बाद बनाते हैं प्रोग्राम, वो मुझे फोन पे बोल रही थी। फाइनली पूजा आ गई है, चलो पूजा। ट्रैफिक भी बहुत है। हाँ बहुत हो रखा है, वो सब आए हुए थे और स्वीटी दीदी शालू रिंकी दी, तो फिर वही टाइम तो लग ही जाता है, टाइम लग जाता है। 1:30 बजे का उस टाइम था ना। हाँ 1:30 से 2 था शायद, तो समय तो रिंकी उसके बाद काफी देर बाद ही बांधी है, तो 3 बजे तक आए थे। फिर खाना वाना खाओ, राखी वाखी बांधो, बातें वाते करो, जीजू मेरे सारे आए थे ना, फिर तो लग जाता है टाइम। हाँ मतलब फिर शॉप बुलाने गए, फिर आए, ट्रैफिक इतना रास्ते में बहुत है, इस समय मैं आई हूँ ना मेट्रो से, बहुत ज्यादा हो रहा था। हाँ मनु भी चलो अपना लगे मैं फोन पे, बहुत ज्यादा था, हाँ बहुत ज्यादा था आज, हालत बुरी हो रखी है आज तो। और हर किसी की, क्योंकि आज के दिन सब बहनें निकली हुई हैं, सब जाती हैं भाइयों घर पे। हाँ तो वो रश तो हुआ पड़ा है। हाँ चलो, तो हर भी होता है, हर बार होता है ये। मैं कह रहा हूँ मेरी दुकान से 2 मिनट का रास्ता है घर तक का, 15 मिनट लग गया तब भी। हाँ अभी कंचन भी आई थी ना, कंचन और वो दीपू वहाँ से, तो उनका सोनिया के घर, वो स्कूटी में आए हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कार खड़ी करने की जगह नहीं है नीचे, स्कूटी पे आए थे, स्कूटी पे आराम से निकल गए वो। अच्छा, स्कूटी में ट्रैफिक तो था, बहुत था, कह रहे फिर भी चलो अच्छा के कार नहीं लाए हम, फंस जाते वो। हाँ हाँ हर जगह ठीक है। हाँ ये राखी लगा रही है पूजा सबकी, ये पापा की, गोपू की, काकू की। गाइस राखी अब मतलब बांधना शुरू कर रहे हैं, तो थाली हो चुकी है रेडी एकदम, और तिलक और एक चावल, 5 स्टार मेरे लिए, काकू के लिए चमचम, गोपू के लिए भी चमचम, और ये सबकी राखियाँ। तो सबसे पहले तो गोपू को ही राखी बांधते हैं, तो इसलिए मैं गोपू के लिए बहुत प्यारी सी राखी गोपू के लिए स्पेशली आई हूँ, है ना गोपू।
चावल लगी नहीं पाई है ना, टीका लगा दे। हाँ टीका ही लगा दी है मेरे ना। एक गोपू के लिए ना प्यारी सी राखी है, ये मोर पंख वाली, मोर वाली राखी लाई हूँ मैं गोपू के लिए। लास्ट ईयर वाली भी यहाँ बनी है, काला वाली। हाँ। ये ऐसे ही रख दूँ ना, बांध तो सकती हूँ। बांध पहले हाथ में दिखा दे। गोपू राधे राधे गोपू। अब काकू की बारी आ गई। अब आज तक टीके भी छोटे हो गए, पहले कितने बड़े बड़े लगते थे। है नहीं नहीं चावल भी ना ऊपर। हाँ छोटा लगा ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हाँ सीधा ये काकू के लिए काकू, अब तेरे को कोई नजर नहीं लगे। काकू दूर दूर नजर है, दूर दूर है। ये ना ईवल आई वाले ब्रेसलेट भी बहुत चलते हैं ना, ज्यादा चल रहे सब। हाँ तो मैंने राखी ऐसी ला दी है, ठीक है। उस दिन भी गोयलसन में सारी ऐसी पड़ी हुई थी, ऐसे रख वो काकू का फेवरेट है ये। पूजा मिठाई नहीं खाती ना ज्यादा, पूजा चाशनी आ गई है पर अच्छा लगता है, कम खाती ना तुम मीठा। छोटा भाई है, मैंने बोला है, मैंने कहा हमारे घर में ना एक साल में दो शादी नहीं होती, एक साल बाद एक्स्ट्रा काम होगा फिर। अब तो कई दिन खाता रहा, मिठाई नहीं लाई मेरी मम्मी को, तो नहीं चॉकलेट कम लेती हूँ मुझे पता है। मिठाई पहली राखी कभी भी मीठा होना ही होना चाहिए। ये सारा इसके मतलब का है, नेचुरल वगैरह सब खाता है। ठीक है आराम से खा। पापा बड़ा वेट कर रहे थे तेरा। पापा को भी राखी नहीं बांधती हूँ, हर साल मैं नहीं बांधती पापा को राखी। और पापा के लिए भी ईगल आई वाली जो राखी है ही प्लस रुद्राक्ष वाली राखी भी है। क्या बात है दिखाओ। हाँ क्या ये जो सारी थी कैलबेरी राखी थी, मतलब कोको के लिए तो मैंने खरीदी थी राखी, बट बाकी जो सारी कैलबेरी राखी है ये 15 कैलबेरी से है। तो विक्की अंकल को भी ना मम्मी ने यानी राखी सेम ये वाली बात की है। नहीं सारी अच्छी है ये वाली। ठीक है पापा, ये आपको मम्मी का बच्चा आएगा और जो भी वजह से और वो द्राक्षा द्राक्ष को एज है ज़्यादा मुझे रोटी का टाइप कर। तुम दोनों को किसी की नजर नहीं लगी, नजर नहीं लगी कोई। अब इन्हें बिल्कुल नजर नहीं लगे गाइस, ये खुद पूरी नजर आ रही है, ये खुद चल चल नहीं ये पूजा के लिए सूट और पूरा बना के दिया। पूजा स्टिच है पूरा। हाँ स्टिच करके दिया ये मन्नू। नहीं नहीं ये आपके लिए मन्नू, नहीं नहीं ये आपके लिए पूजा का सूट है, आपके लिए नहीं आपका ये पूजा का सूट दे दिया। कोई बात नहीं फिर भी मेरी तरफ से है, ये मेरी तरफ से ये तुम्हारे सबके लिए करके। हाँ ये पापा कह रहे, कहते हम जाते हुए मैंगो ना अच्छे आए हुए हैं। परी
हाँ कह रहे खुश होकर पूजा नहीं मैंगो शेक इसका अच्छा बन जाएगा कम हो रहे हैं सबसे देखा परी को शौक से खाते हुए परी देखती खा लेती है मैंने देखा थैंक यू पापा जी थैंक यू आपका मनु सही है ये वाला आपके पसंद का ही वही मैं कह रहा था मेरी पसंद वाले चाप हाँ चाप वही वाली मंगाई है लेने आता था यहाँ पर स्पेशली हाँ पूजा के पापा को पता है तो मैं वैसे बना रही थी पनीर की तो फिर पूजा ने मना कर दिया हमने खाया है तो मैंने कहा नहीं हाँ तो मैंने कहा चल ठीक है तो फिर मंगाया पनीर काकू ने पनीर बना खाना था तो मैंने कहा तो आपके लिए वो मंगा देती हूँ हाँ खा लो रोटी भी साथ ही बना रही हूँ साथ में ठीक है तो गाइस सबके लिए आई है आइसक्रीम सब अपने अपने फेवरेट चीज जिसको पसंद है खा रही है चोकोबार चोर मेरे लिए आई है चोकोबार हाँ ये आई है मेरे लिए शुगर फ्री आई है कुल्फी और आपकी कौन सी आप चॉकलेट खा रहे हो चोकोबार सभी अपने अपनी खा रहे हैं चलो खाओ मम्मी की फेवरेट आमलेट है हाँ तो पूजा की चॉकलेट है शुरू से आइसक्रीम तो खोली नहीं है मैंने दिवाली एनिवर्सरी भी तो आएगी कौन सी तीसरे दिन मजा आया चौथी आ गई एनिवर्सरी भी तो है तेरी चलो ठीक है बाय 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 काकू भी नीचे चल रहे हैं छोड़ने।